हेलो दोस्तों, और ये है दूसरा लेसन पॉडकास्टिंग फॉर बिगिनर्स कोर्स का, जो कि मैं LMT के साथ कोलैबोरेशन में कर रहा हूँ। पिछले लेसन में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया इस कोर्स का और ये बताया कि पॉडकास्टिंग क्या है और पॉडकास्टिंग आपको क्यों करना चाहिए और एंकर ऐप क्या है। इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या इक्विपमेंट चाहिए अच्छी रिकॉर्डिंग के लिए, और आप अपना रिकॉर्डिंग एनवायरनमेंट कैसे सेटअप कर सकते हैं, और अच्छी क्वालिटी का ऑडियो कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो देखते रहिए। पहले बात करते हैं कि आपको इक्विपमेंट क्या चाहिए। अगर आपके पास एक फ़ोन है, आईफोन है, या फिर आपके पास कोई एंड्रॉयड फ़ोन है, सबसे पहले आपको जो करना है, आपको श्योर मोटिव ऐप डाउनलोड करना है, जो कि फ्रीली अवेलेबल है आईफोन के लिए और एंड्रॉयड फ़ोन के लिए भी। तो सबसे पहले वो ऐप डाउनलोड कीजिए, बिकॉज इसमें लॉसलेस ऑडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, 16-bit ऑडियो वैव फाइल फॉर्मेट में, जो कि बहुत ही एक अच्छा फ़ायदा प्रोवाइड करता है। वैव फॉर्मेट क्या है? ये एक रॉ रिकॉर्डिंग फॉर्मेट है ऑडियो के लिए। जिस तरीके से आप किसी DSLR में रॉ फॉर्मेट में फ़ोटो कैप्चर करते हैं, सिमिलर वे में आप ऑडियो कैप्चर करते हैं वैव फॉर्मेट में रॉ तरीके से। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा डेटा प्रोवाइड करता है ऑडियो के अंदर, तो आप अपना ऑडियो क्लीनअप और ऑडियो का पोस्ट प्रोसेसिंग बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो अगर आपके पास कोई बजट नहीं है, तो आप आईफोन और एंड्रॉयड में श्योर मोटिव ऐप के साथ अपना पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे, आपको ये ऐप मिल जाएगा अपने होम स्क्रीन पे। तो आप उस ऐप को ओपन कीजिए, श्योर मोटिव ऑडियो ऐप। तो ये इस तरीके से दिखता है। इसमें तीन स्क्रीन हैं। मिडल स्क्रीन है रिकॉर्डिंग के लिए, और राइट साइड का स्क्रीन है जहाँ पे आपकी सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेगी, और लेफ्ट साइड में एक और स्क्रीन है जो कि वर्चुअल माइक सेटअप के लिए है। अगर आप शुर का कोई डिवाइस खरीदते हैं, अपने फ़ोन में अटैच कर सकते हैं, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं इस स्क्रीन के थ्रू। अगर आप सिर्फ फ़ोन के थ्रू जाना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ रिकॉर्ड ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे 16x48 kHz सिलेक्ट कीजिए, बिकॉज ये अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है। इसको डन कीजिए। उसके बाद आपको तीन बटन यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें से आपको रेड बटन प्रेस करना है रिकॉर्डिंग के लिए। बट इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप रिकॉर्ड करेंगे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने हेडफोन्स का यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज हेडफोन्स में नॉइस कैंसिलेशन अवेलेबल रहता है। और मैं सजेस्ट करूँगा, आप ब्लूटूथ हेडफोन मत यूज़ कीजिए ऑडियो रिकॉर्ड करते टाइम। आप वायर्ड हेडफोन, जो कि आईफोन के साथ आता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, या फिर आपके पास कोई दूसरा वायर्ड हेडफोन है जो कि किसी अच्छे फ़ोन के साथ आया है, तो आप उसको यूज़ कीजिए। तो आप अपने ईयरपीस को कनेक्ट कीजिए अपने फ़ोन के साथ, और आप रिकॉर्डिंग चालू कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ईयरपीस अटैच करते हैं फ़ोन के साथ, आपको दिखता है कि माइक गेन कितना रखना है। आप अपने माइक गेन को 70% पे रख सकते हैं, और अब तब आप रिकॉर्डिंग चालू कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे, माइक गेन के साथ एक बटन दिया हुआ है जो कि हेडफोन का बटन है, इसको बोलते हैं मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग पे अगर हम क्लिक करेंगे, तो हमें जो अभी हम बोल रहे हैं वो डायरेक्टली आपके ईयरफोन में प्ले होता है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आपको अपने लेवल्स चेक करने हैं कि कितने लेवल्स कितना लेवल आएगा, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। जैसे इस यहाँ पे मैं अभी रखा हूँ, तो मुझे लेवल्स का पता चल रहा है थोड़ा कम है, बट मैं अगर अपने ये मुँह के सामने इसको लेके आ रहा हूँ, तो इसका लेवल बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल ऐप शुर ने प्रोवाइड किया है। तो आप रिकॉर्ड बटन पे क्लिक कीजिए, और आप इस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये एक टेस्ट रिकॉर्डिंग है, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद आपको ये अपने रिकॉर्डिंग सेक्शन में मिल जाता है।
तो इस तरीके से यहाँ ये अवेलेबल है और मैं प्ले बटन पे क्लिक करके चेक कर सकता हूँ कि ऑडियो लेवल कैसा आया है, रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये एक टेस्ट रिकॉर्डिंग है। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा ऑडियो हमने रिकॉर्ड किया है। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जब भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप एक क्वाइट रूम में जाइए जहाँ पे पर्दे हैं आसपास। अगर पर्दे नहीं हैं तो आप एक ब्लैंकेट भी ले सकते हैं और अपने चारों तरफ ब्लैंकेट से अपने आप को कवर कर सकते हैं और ब्लैंकेट के अंदर फोर्ट बना के आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो उस टाइम पे आपका जो वॉइस है वो एको नहीं होगा, बिकॉज वो जो ब्लैंकेट है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरीके से आप अच्छा क्लियर ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने फ़ोन के ऊपर बिना किसी बजट खर्च किए हुए। और इसके बाद जस्ट आप अपने रिकॉर्डिंग को शेयर कर सकते हैं पीसी पे या मैक पे, जो भी मशीन आप यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। आप डायरेक्टली अपने फ़ोन से भी एंकर पे अपलोड कर सकते हैं, बट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे थोड़ा क्लीन अप करें अपने ऑडियो को और उसके बाद आप अपलोड करें एंकर पे। तो दोनों ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको एडिट नहीं करना है। अगर आपने बहुत ही अच्छे क्वाइट एनवायरनमेंट में इसको शूट किया है तो आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप नेक्स्ट लेसन में जो मैं शेयर करूँगा थोड़ा बहुत एडिटिंग और फिर अपलोड, वो आप यूज़ कर सकते हैं। सो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट लेसन में।